नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। 4 जून एक ऐसा वक्त जिसका लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी थी, ऐसे में बाजार ने एक ऐसा रुख पकड़ा जिसने सबको चौंका दिया। बिल्कुल आज जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे, जो अनुमान थे, वो बिल्कुल भी चुनावी रुझान से मेल खाते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में हमने देखा कि निफ्टी में करीबन 1900 अंक की गिरावट देखने को मिली, निफ्टी बैंक में भी भारी गिरावट रही और सेंसेक्स भी धड़ाम हो गया। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कुछ सिनेरियोस के बारे में बात की कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है बीजेपी सरकार को और NDA गठबंधन अगर बनाती है सरकार या इंडिया अलायंस को सरकार बनाती है तो क्या कुछ बाजार पर इसका असर पड़ेगा, क्या कुछ इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा। सर, UBS की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, उन्होंने UBS ने कुछ बड़ी बातें इस अपनी रिपोर्ट में बताई हैं। आज मार्केट में जो बड़ी खलबली पैदा हुई, एक आप कह सकते 2020 में मार्च में जब कोविड आया था उसके बाद की सबसे बड़ी संभवतः गिरावट है, तो UBS ने एक रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कुछ केसेस को स्टडी किया है। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 230-40 पे सिमट रही है और 295-96 सीटें NDA को मिल रही हैं। कांग्रेस की जो अगुवाई में इंडिया गठबंधन है वो 233-235 सीटों पे है और उनको कांग्रेस को अपने बूते 100 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब जो सरकार बनेगी, अगर NDA गठबंधन की सरकार बनती है तो वो एक वीक गवर्नमेंट होगी, उसमें सौदेबाजी या बार्गेनिंग पावर है वो उनके गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके हाथ में होगी। UP और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा लॉस हुआ है, तो ये उन्होंने कुछ मोटी बातें कही हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ सिनेरियोस बताए हैं कि उन सिनेरियो के हिसाब से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, बाजार तो आज जिस तरीके से टूटा है उससे कई सारे निवेशक जो हैं उनके पैसे डूब गए हैं। करीबन 46 लाख करोड़ रुपए जो निवेशकों के हैं वो डूब गए हैं। ऐसे में UBS की रिपोर्ट आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें 3 सिनेरियो की सर बात की गई है, वो तीनों सिनेरियो क्या है और उसका किस तरीके से असर पड़ सकता है बाजार पर, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, पहला सिनेरियो ये है कि NDA की सरकार बने, है ना, और प्रधानमंत्री दोबारा फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने, लेकिन उनको उनके लिए मुश्किल होगी। वो वैसे सरकार नहीं चला पाएंगे जैसे पिछले 10 साल में उन्होंने चलाई, जो सरकार चलाने में जो डिसीजन लेने में उनको आसानी हुई वो अब मिलना, वो अब हो पाना मुश्किल होगा। ये सिनेरियो फर्स्ट है। सिनेरियो दूसरा ये है कि सरकार तो NDA की बने लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, कोई और प्रधानमंत्री बने। तीसरा सिनेरियो ये है कि NDA के जो अलायंस पार्टनर हैं उसमें से कुछ निकलें और वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं, कांग्रेस वाले, और वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इस केस में UPS का कहना है कि ये भारत का जो पिछले 10 साल से जो पॉलिसी का पूरा जो रोड मैप था, जिस रास्ते पे पॉलिसीज चल रही थी, आर्थिक पॉलिसीज, वो पूरा कोर्स चेंज हो सकता है, वहां से पूरी चीजें एक नया टर्न ले सकती हैं। ये उन्होंने 3 बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें जो पहला केस है, केस 1 जो है जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं कमजोर मैंडेट के साथ, तो उसका बाजार पे क्या असर होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिनेरियो मुझे इन तीनों में तो यही लग रही है कि जब बनेगी सरकार NDA की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो सिनेरियोज हैं उसका बाजार पर अलग अलग तरीके से असर पड़ेगा और इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। बाजार पर पड़ने वाले असर की पहले बात करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले जो सिनेरियो एक है, पहला सिनेरियो है, उसमें को UBS ने सबसे पॉजिटिव सिनेरियो बताया इन तीनों केसेस में। उन्होंने कहा जो केस 1 है वो सबसे पॉजिटिव है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि सरकार जो है, जो NDA सरकार अगर बनती है PM मोदी की अगुवाई में, तो उनको कई फैसले राज्यों के हिसाब से लेने पड़ सकते हैं क्योंकि भारत में तकरीबन हर साल कई राज्यों में इलेक्शन होते हैं। अगले साल इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, 2027 में UP में, तो सरकार पॉपुलिस्ट कदम उठा सकती है इन इलेक्शंस को देखते हुए ताकि वो अपना वोट बैंक को फिर से रिटेन कर सके। दूसरे में उन्होंने कहा है कि जो मास मार्केट कंजम्पशन की चीजें हैं वहां पे सरकार का फोकस रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंफ्रा और केपेक्स, इस पे जैसा पहले फोकस था गवर्नमेंट का वो जारी रहेगा। एक और उन्होंने बात कही है कि PLI जो स्कीम है गवर्नमेंट की,
वो भी जारी रह सकती है जी। और लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि जो रिफॉर्म सरकार सोच रही थी करने के लिए इस टर्म में, थर्ड टर्म में, वो वहां पे अटक जाएगी काली सरकार की जी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अलायंस पार्टीज होंगी उनका उन पर दबाव बनेगा। बाकी दोनों सिनेरियो के बारे में भी फटाफट, बाकी वही सिनेरियो है कि जिसमें जो जैसे थर्ड सिनेरियो में जो बात है कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उस केस में तो सीधा सीधा यही है कि जो इंडिया का जो पॉलिसी का जो पूरा रोड है जो अब तक सरकार चली है उसको चेंज कर सकती गवर्नमेंट जी। बिल्कुल, अंतरिम बजट में जो भी संभावनाएं जताई गई थी, जो भी प्रोजेक्शंस किए गए थे, उम्मीद यही थी कि अगर कंटिन्यू करती है सरकार तो वो उस पर फोकस कर पाएगी, लेकिन अगर ये थर्ड सिनेरियो होता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।